अज आपां बनावांगे कढ़ी पकौड़ा। आपां कढ़ी पकौड़ा किस तरह बना सकते हैं वो थोनों मैं सारा तरीका दसूंगा। सब तो पहला आपां पकौड़े बनावांगे, उस तो बाद आपां कढ़ी बनावांगे। चलो जी करदे हां शुरू। फिर कढ़ी पकौड़ा बनाउणा, कढ़ी पकौड़ा बनाउण वास्ते जो जो मैं समान लिता वो थोनों मैं दसदा। मैं प्याज कट्टे इस तरह, तुसीं लंबे लंबे जे प्याज कट सकदे आ, ते आलू आलू भी तुसीं इस तरह लंबे लंबे जे कट सकदे आ, ते इन्हां दे बनावांगे आपां पकौड़े। आ देख लो मैं इस तरह कट्टे आ, तो एक दो दो आलू लेने, दो तीन प्याज इस तरह लंबे लंबे जे कट लेने आ। हरी मिर्च लत्ती आ, अदरक लत्ता, ते लसण, बेसण, लस्सी, प्याज इसका आपां तड़का लावांगे, ते धनिया, हल्दी, मेथा, जीरा, ते नूण। आ देख लो सारा समान, इस समान दे नाल आपां बनावांगे अज कढ़ी पकौड़ा। पकौड़े च अपने जो जो समान पाना, आ देख लो प्याज ते आलू, धनिया मैं थोड़ा कुट लिया, इसनों थोड़ा बरीक कर लिया, बेसन, जीरा, हल्दी, नूण ते मिर्च। तुसीं लाल मिर्च भी यूज कर सकते। इस इन्हें इन्हें तिने चार चीज़ों नाल आपां बनावांगे पकौड़े। सब तो पहला तुसीं बेसन पाना, वध घट पा सकते, मैं थोड़ा दादा देखते रहो। फिर तुसीं नूण पाउणा अद्धा चमचा, वध घट पा सकते तुसीं। हल्दी पाउणी अद्धा चमचा, ते साबुत धनिया, हरी मिर्च, तुसीं लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो, ते जीरा। बस फिर तुसीं थोड़ा थोड़ा बेसन पाई देना, ते थोड़ा थोड़ा पानी पाई देना इस दे विच। तुहानू मैं दसदा किस तरह होने चाहिए पकौड़े अपने। इस तरह मल लेना, इसनू मिक्स करी जाना नाल दी नाल। ठीक है, अपना बेसन बहुत घट है, हले आप होर पाउंदे इस दे विच बेसन। पानी हौली हौली पाउणा इस दे विच, तां जो अपना जे अपने पकौड़े कट्टणे ज़्यादा ये पतला ना हो जाए। आ देखो अपना इस तरह का होना चाहिए बेसन पा के, इस तरह का जब अपने लाने हैं। फ्राई पैन च तेल गर्म कर लेना, तेल गर्म का होने का मैं ढंग दसदा थोड़ा तेल कितना गर्म होना चाहिए। मैं तुम्हें फ्राई पैन के छोटा जिहा टुकड़ा पा के देखना बिच, उसके जो ये तैर के उपर आने लग जाए फिर तुम उस बाद पकौड़े पाई जाने। आ देखो अपना हले हल्का तेल गर्म है, जैसे तैर के उपर आने लग जाए फिर तुम इस पकौड़े पाई जाने। वो थोड़ा मैं दसदा किस तरह पाना बाद। आ देखो हूँ अपना तैर के उपर आने लग गया है, हूँ इस आप पकौड़े पा सकते हैं। पकौड़े पाने वास्ते सानूं मैं एक होर ढंग दसदा। पकौड़े तो थोड़ा तुसीं पानी ले लेना, पानी इस तरह हाथ में लाना थोड़ा जिहा, तो इस तरह बनाने हैं, तो इस दे विच छड्डी जाने हैं इस तरह। आ देखो इधर देखो इस तरह, तो इस दे विच इस तरह छड्डी जाने, इस तरह हाथ में लाना, तो इस दे विच इस तरह छड्डी जाने। आ देखो इस तरह विच छड्डी जाने, इस तरह थोड़ा जिहा लेना फिर, तो इस दे विच इस तरह छड्डी जाने। दो मिनट बाद पकौड़े की साइड चेंज कर देनी, सारे पकौड़े की उपर थले कर देने, चेंज कर देने इनकी साइड दो मिनट बाद। तकरीबन दो मिनट बाद अपने असल में दिखा देना इस तरह ने हो जाने अपने। दो मिनट बाद थोड़े होर पकाने ता जो ये बिचों कच्चे ना रह जाने अपने। आ देखो जदों अपने इस तरह के हो जाए ब्राउन जो हो जाए पक के आप देख लेना, तुसीं जो अपने इस तरह के हो जाए तुसीं इन्हां नूं बाहर कढ लेना। फिर आ तुसीं देख सकते हो साढ़े पकौड़े इस तरह के होने चाहिए साढ़े। इसी तरह तुसीं दूसरे पा लेना, हाथ में थोड़ा पानी लाउणा मैं इत्थे आ देखो इस तरह इस तरह।
और तुसी देख सकते हो अपने पकौड़े। तो हुण आपां बनावांगे कढ़ी, जिस दे विच अपने पकौड़े बनाए थे उसी विच तुसी लस्सी पा लेनी है। अदो लस्सी पा लेनी, सब तो पहला लस्सी पा के फिर तुसी उस दे विच बेसन पा देना। इत्थे तुहानू मैं एक होर गल दसना चाहुंदा, बेसन ऐन चंगी तरह घुलना चाहीदा, विच तुहाडी कोई डली नहीं रहनी चाहीदी, ठीक है। जां तुसी मिक्सी 'च भी घोल सकते हैं, जां तुहानू जां तुहाडे कोल इस तरह दे हैगी अपने मशीन जी घोलने वाली, तुसी इस नाल भी घोल सकते हो। ऐन पूरा घुलना चाहिए, थोड़ी कोई डली विच रहनी नहीं चाहिए। ऐन मैं चंगी तरह घोल लिया, थोड़ा मैं दिखाना चाहता इतने, इसके कोई गठ जी नहीं रहनी चाहिए। जो थोड़ा गठ रह जूगी और फिर बाद चो उस तरह जो कढ़ी बननी लास्ट में ना अपनी उस तरह गठ जी रह जाती, जो जो बेसन नहीं घोलता ना वह लास्ट तक उस तरह गठ जी रही है। फिर तुम एक पतीले के एक कड़छी तेल की पा लेनी, एक कड़छी तेल की पा लेनी तुम एक पतीले के, जो अपना हल्का जहा तेल गर्म हो जाए फिर तुम एक चमचा पूरा भर के जीरे का पा देना उस, एक चमचा पूरा भर के इस मेथे का पा देना, एक पूरा चमचा धनिया का पाना। फिर तुम एक मिनट तुम पकाना, जब तक अपना हल्का जहा ब्राउन हो जाए फिर तुम इसके बाद इस प्याज पा देना। हाँ देखो जो अपने इस तरह के प्याज हो जाए, मैं थोड़ा दिखाना चाहता जो अपने इस तरह के प्याज हो जाए फिर तुम इस पूरा चमचा भर के हल्दी का पाना, इस लून पाना तुम एक चमचा पूरा भर के। आ देखो इस दे मैं मिर्चा अदरक तो लसन ये मैं कट्ठे पीसते मिक्सी के, ठीक है जी। तुम अपने टेस्ट अनुसार वध घट पा सकते हैं, मैं दो चमचे बच्चे पा लिया, तो इसमें मिक्स कर देना एक बार। हल्का जहा सेक लगा लगा के तुम फिर तुम इस जो अपने लस्सी के बेसन घोलिया वह पा देना इस। एक गिलास तुम पानी का पा देना उस, अपने हिसाब से तुम वध घट पा सकते हैं। जे अपना थोड़ा जहा मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है तुम इस होर भी पानी पा सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से तुम वध घट पानी इस पा सकते हैं। हरे साडा इस होर पानी पै जाना, मैं थोड़ा जहा होर पानी पा दूँगा इस दे विच। मैं इस दे विच उही धो के थोड़ा जहा पानी इस दे विच पाता होर। हुण तुसी इसनू 25 तों 30 मिनट पकाउणा, जे पानी की लोड़ होई होर तां तुसी इस दे विच पानी होर पा सकते हैं। हाँ देखो हूँ तुम थोड़ा हल्के हल्के हिलाते रहना, कई बार ना उबाली जी खाती है, उबाली के टाइम तक तुम इन हल्के हल्के भी हिलाते जो रहना, निगाह रखनी इस उपर। मैं थोड़ा एक होर गल दसना चाहता, जे थोड़े को फली मटर है तुम वह भी इस पा सकते हैं, तो आलू भी तुम पा सकते हैं। मेरे को फली मटर है, मैं इस फली मटर पा लिया, जे थोड़े को है तो पाओ, जो नहीं है तो लोड़ नहीं है। आ तुसी देख सकते हो बस तुसी हिलाते रहना जो अपना इस तरह का हो जाए। हुण मैनूं इसनूं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, ताही तुहानू विच नूं एक बार दिखाउणा चाहुंदा। बस तुसी हिलाई जाणा इसनूं, इस टाइम जदों आपणे इस तरह दी होवे उस टाइम तुसी इहनूं हिलाउणा इस तरह। जे तुहाडी कढ़ी गाढ़ी हो जाए तुसी एक गिलास पानी का होर इस दे विच पा देना। देखो मैं इस दे विच एक पानी का गिलास मैं पूरा होर पा दिता इस दे विच, ठीक है। ये थोड़ी क्वांटिटी पर है, जे तुसी ज़्यादा बेसन घोलिया जां घट घोलिया तुसी देखते रहना, जे थोड़ी गाढ़ी होगी तो उस दे विच तुसी पानी पा देना होर, अपने हिसाब दे नाल तुसी उसनूं रखना। मैनू पूरे हुण इस टाइम 25 मिनट हो चुके ने, ते अपनी कढ़ी बन के हो गई है तैयार। हुण तुसीं इस दे विच पकौड़े पा सकते हो। आ देखो मैं इस दे विच 25 मिनटां बाद पकौड़े पा दिते। पकौड़े पाउण तों बाद फिर तुसीं इस दी गैस कर देनी है बंद, उस तों बाद ते हुण तुसीं इस नूं अपनी खा सकते हो। तुसीं देख सकते हो हाँ ये बन गया जी अपना कढ़ी पकौड़ा। जदों आपां ने इस दे विच पकौड़े पाउणे, पकौड़े पाउण तों बाद तुसीं इस नूं पकाउणा नहीं है होर, तो तुसी इसनों हुण खा सकते। अपनी कढ़ी पकौड़ा रेडी है, तुसी इस दे विच हरा धनिया भी पा सकते हैं, तो कसूरी मेथी भी पा सकते हैं। बाद विच जब से अपने बन के तैयार होगा उस टाइम तुसी पा सकते, जे थोड़े कोल है जे नहीं है तो सर्दी हो तुसी इस तरह इदां भी खा सकते। इस तरीका अपना अज कढ़ी पकौड़ा बनाउण दा। तो थोनों मेरी वीडियो किस तरह लगी कमेंट तो अपने फेसबुक पेज नाल मेरी वीडियो जरूर शेयर करो, तो सबसक्राइब करना ना भुल्यो। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा मेरा वीडियो देखने वास्ते।